चलो ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है और ये जनरली जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो उसमें फ्रिक्वेंटली यूज होता है और इसको इतना बार करते हैं बच्चे कि इसका आंसर ही याद हो जाता है बच्चों को। ठीक है, पर ये है कि ये जेईई मेंस में भी आया कई बार और नीट में भी पूछा गया। ये कहता है कि वेज है, इस वेज पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। जब इस वेज को एक्सेलेरेशन ए दे दिया गया तो हमें उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से जो उस एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू जिसकी वजह से जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है। यार समझो, अगर मान लो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो अगर मैं स्मूथ सरफेस है और एक ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक एट रेस्ट में है, ब्लॉक एट रेस्ट में है, तो अगर मैं इसमें कोई मास रखूंगा तो क्या कभी रेस्ट में रहेगा क्या यार? कभी नहीं रहेगा, क्योंकि mg साइन थीटा नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लग जाएगा और mg का एक कॉम्पोनेंट mg cos थीटा इधर लग जाएगा। तो अगर ये स्मूथ है तो जैसे ही रखोगे कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी ब्लॉक रख दो वो नीचे ही आ जाएगा। भाई अगर इस पर हाथी भी रख दोगे ना तभी वो नीचे स्लाइड कर जाएगा, चींटी रख दोगे एंट तभी भी वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि mg साइन थीटा स्मूथ सरफेस है तो mg साइन थीटा तो उसको एक्सेलरेट करा देगा। लेकिन अगर मैं इसी वेज को एक्सेलरेशन दे दूं और स्मूथ सरफेस रहने पर भी रेस्ट में हो जाएगा, है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है। चलो, अगर मैं स्मूथ सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है वो कंप्लीटली स्मूथ है, समझना ये जो सरफेस है वो कंप्लीटली स्मूथ है, लेकिन इस वेज को एक एक्सेलेरेशन दे दूं, अभी भी ये स्मूथ ही है, अभी मैं ए स्मूथ ही है, ठीक है। लेकिन अगर ए एम मास का ब्लॉक है और ये वेज रेस्ट में नहीं है, पहले वेज रेस्ट में था, तो अगर मैं इसको एक्सेलेरेशन दे दिया तो ये ऐसा पॉसिबल है कि एक खास स्पेशल एक्सेलेरेशन, एक स्पेशल एक्सेलेरेशन के लिए ये रेस्ट में आ जाएगा यहाँ, ठीक है, एट रेस्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन के लिए वो ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो हमें उसी स्पेशल एक्सेलेरेशन को निकालना है ना। चलो, तो इसको करने के कई तरीके हैं, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलो, सबसे देखो, इसको इनर्शियल फ्रेम से कर सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर सकते हो, और देखो मैं कैसे करता हूं, सबसे शॉर्टकट में कैसे करता हूं, ठीक है। नॉर्मल गया ऊपर, कोई दिक्कत, ठीक है, और फोर्सेज बोलो, एम जी गई नीचे, क्या इसके अलावा भी कोई फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम सूडो से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी पे चढ़ जाऊँ, इस फ्रेम पे चढ़ जाऊँ, इस वेज पे चढ़ के बैठ जाऊँ और मैं इस वेज से देखूंगा, मैं अब ये वेज भी आगे जा रहा है और मैं भी इसी के साथ आगे जा रहा हूँ बड़े आराम से, तो मैं इसी पे बैठ के आराम से इस वेज को देखूंगा तो मुझे वेज रेस्ट में दिखाई देगा। अगर वेज में रेस्ट में दिखाई देगा तो ये जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो सूडो लगाएगा ही लगाएगा यार, ठीक है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो सूडो नहीं लगाए, ठीक है, वो उसको सूडो लगाना ही लगाना नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, तो ये लगाएगा सूडो ब्लॉक पे। सूडो किधर लगाते हैं? फ्रेम के अपोजिट और जिसपे लगाया जाता है उसके मास के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, तो ये इधर लगाएगा एक सूडो फोर्स, मास ऑफ द बॉडी जिस पे लगाया जा रहा है, एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम एम में, ये तीनों फोर्स मिलके इसको रेस्ट में रखेंगे, ठीक है ना, आया समझ में? एक बार मैं यहाँ आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल गया ऊपर जो कि वेज लगाएगा, एम जी गई नीचे जो कि अर्थ लगाएगी, और सूडो गया इधर जो कि ऑब्जर्वर लगाएगा, ठीक है, एक्सेलेरेटेड फ्रेम की वजह से। अब ये सभी फोर्स मिलके इसको रेस्ट में रखें। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, गलती क्या करते हैं, देखो mg साइन थीटा को रिजॉल्व कर देते हैं। mg साइन थीटा को रिजॉल्व कर दोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, अभी उसको करके देख सकते हैं। शॉर्टकट तरीका, आसान तरीका ये है कि इस टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, इधर x ले लो, इधर y ले लो, जैसे हम लेते हैं, तो मुझे नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इस टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा अपोजिट एंगल, तो नॉर्मल का दो कंपोनेंट हो गया, एक गया ऊपर जो कि n cos थीटा और एक गया इधर जो हुआ n sin थीटा। अब x एक्सिस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए और y एक्सिस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी तो जाके रेस्ट में रहेगा यार, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n cos थीटा n sin थीटा है वो सूडो को बैलेंस किया होगा ma को, और n cos थीटा बैलेंस किया होगा किसको, mg को। तो यहाँ से एक लाइन में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे एक्सलेशन, डिवाइड कर दो तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट से सेकेंड में डिवाइड कर दोगे तो a बाई जी, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू जी tan थीटा। दिस इज द पर्टिकुलर स्पेशल एक्सलेशन जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। आगे बात पूरी तरह से समझ में, ये वो खास इक्वेशन है। अगर मान लो कोई एम जी को रिजॉल्व कर देता है तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल जाएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका लेंदी हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ अगर सूडो में इधर लगाया एम में, ठीक है, नॉर्मल इधर लगाया और एम जी नीचे लगाया, ठीक है। तो अगर मैं एम जी को रिजॉल्व करता हूँ तो ये थीटा है, तो मुझे सूडो को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे अलोंग द प्लेन x लेता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन y लेता है तो उसको दो दो रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, mg को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, ma को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस लंबा चला गया, ठीक है। तो भाई अगर ये थीटा है तो mg का एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया जो कि हो गया mg साइन थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया जो कि हो गया mg कॉस थीटा, और सूडो ये थीटा है तो सूडो का एक कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा इधर चला गया और ये आ जाएगा एम ए साइन थीटा इधर आ गया, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जी साइन थीटा ने बैलेंस किया होगा किसको, एम ए कॉस थीटा को, एम ए कॉस थीटा को, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ, हाँ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से भी डायरेक्ट, अब यहाँ से दो दो बार रिजोल्यूशन हो गया और यहाँ से ए निकालना तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा एक इक्वेशन। दूसरा, नॉर्मल वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा तो नॉर्मल, इसको वर्टिकल वाला मोशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो बार रिजोल्यूशन से बचने के लिए वो वाला ज़्यादा बेहतर था। और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन जी tan थीटा, यहाँ से भी ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, mg को रिजॉल्व करते बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा, आप जैसे मैंने करा वैसे कर सकते हो आपकी सुविधा के लिए। इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैंने किया, इसको इनर्शियल से भी कर सकते हो, ग्राउंड से भी कर सकते हो। ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो mg साइन थीटा ग्राउंड से कैसे करोगे, ठीक है। अगर इसी को ग्राउंड से भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। ग्राउंड से अगर ये ब्लॉक है तो अगर ये वेज यहाँ पे है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ऑब्जर्वर यहाँ पे जब वेज इधर जाएगा ए एक्सलेशन से तो इसको भी, तो इस ऑब्जर्वर को भी तो ये एक्सलेट होते हुए जाएगा, इधर नजर आएगा इस ऑब्जर्वर को, ये भी इसके साथ एक्सलेट होता हुआ नजर इसको दिखाई देगा। तो ये बोलेगा कि इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो नॉर्मल लगा, एम जी लगा, यही दो रियल फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा कोई रियल फोर्स लग ही नहीं रहा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग दो फोर्स रियल लग रहे हैं तो ये क्या बोलेगा, चलो किसी को कंपोनेंट कर दिया जाए। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो n का कंपोनेंट n cos थीटा कर दिया और ये n sin थीटा कर दिया। तो ये बोलेगा कि अगर वर्टिकल में इसको नज़र नहीं आएगा, वर्टिकल में मोशन, तो ये बोलेगा मुझे वर्टिकल में मोशन दिखाई नहीं दे रहा है तो n cos थीटा मस्ट भी mg के इक्वल होगा इसके अकॉर्डिंग जो ग्राउंड पे बैठा है। और ये बोलेगा कि ये ब्लॉक इसलिए आगे जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है क्योंकि n साइन थीटा आगे लग रहा, फोर्स आगे लग रहा, तो ये लिखेगा फोर्स इक्वल टू ma होता है, फोर्स इक्वल टू ma होता है तो जो फोर्स है एक्सेलरेट करा रहा वो n साइन थीटा है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। आप इनर्शियल से भी क्वेश्चन कर सकते हो, नॉन इनर्शियल से भी कर सकते हो, सूडो से भी कर सकते हो, पर कभी कभी सूडो ज़्यादा अच्छा होता है।